नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलना। साथ में दोस्तों आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। एंड दोस्तों जिनको नहीं पता है, बेसिकली हर संडे जो प्राइवेट क्लास होती है, सभी को मैंने प्राइवेट क्लास का लिंक दे दी है जिन्होंने हमारे वीडियोस को शेयर किया था। अगर आपको नहीं मिला है तो आप दोबारा मुझे हाई हेलो कर सकती हो, या फिर मैसेज कर देना, डायरेक्टली यहाँ पर कर देना या फिर यहाँ कर देना, जहाँ पर आपको अच्छा लगता है वहाँ कर देना, आपको प्राइवेट क्लास नंबर 47 का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियोस को अंत तक देखना, राइट। आपको आज एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कैसे आप किसी पेनी स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो, पेनी स्टॉक को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। आपको बहुत बार मैंने तरीके बतलाए कि पेनी स्टॉक को ऐसे बाय कर सकती हूँ, और ये जो पेनी स्टॉक इसकी बात करने वाला हूँ, आज स्टॉक में अपर सर्किट लगा है 20% का, और ये लगना था इसमें, उसका एक रीजन है क्योंकि ये स्टॉक के जो नंबर्स है, कंपनी के जो प्रॉफिट है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो काफी अच्छा है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये बात बोली थी 2021 के दिसंबर महीने में, ये 2022 का सबसे अच्छा पेनी स्टॉक बनने वाला है जो आपका पैसा काफी अच्छे हद तक मल्टीप्लाई कर सकता है, और वो होते हुए अब नजर आ रहा है। स्टॉक का नाम आपको मैं दिखला देता हूँ, जीनस पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड है। दिसंबर 2021 के आसपास मात्र 10 रुपए का पेनी स्टॉक था, और इसी चैनल के माध्यम से मैंने बोला था कि ये बेस्ट पेनी स्टॉक फॉर 2022 बनने वाला है। बस आपको थोड़ा करना क्या होता है, आपको थोड़ी अपनी स्टडी और आपको अपने कुछ इंडिकेटर्स अप्लाई करने पड़ते हैं। अगर नहीं आता है तो आपको जो मैं वीडियोस में बोलता हूँ उसको फॉलो कर लिया करो, जैसे कि आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट, और जो आपको SL बोला गया उसको यूज करना है, और जो आपको एवरेजिंग का तरीका बोला गया उसको यूज करना है, एंड जो आपको टारगेट बताया गया उसको आपको अप्लाई करना है। तो अगर ये सब रूल आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका पैसा भी मल्टीप्लाई हो सकता है पेनी स्टॉक्स में, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। और ध्यान रखना, बहुत सारे पेनी स्टॉक कुछ ही महीनों के अंदर पैसा बना के दे देते हैं, और बहुत सारे पेनी स्टॉक बहुत टाइम लगाते हैं, और कई बार तो हमारे स्टॉप लॉस भी करवाते हैं। तो अगर स्टॉप लॉस होता है और दोबारा उस पर अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम स्टॉक को डेफिनेटली बाय करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि NFL शेयर है, ठीक है। इसमें हमारा एक स्टॉप लॉस हुआ था 47 का, 55 के आसपास का बाय था, ये स्टॉक दोबारा 55 से 60 हो चुका है। मैंने खुद स्टॉक को 55 में बाय किया दोबारा से। अब टारगेट स्टॉक क्या है, कम से कम 80 से 90 रुपए का टारगेट है। तो ये होता है प्रॉपर काम करने का तरीका, ठीक है, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम किया करो, राइट। अब जीनस पेपर का आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा था कि ये स्टॉक में अभी आप क्या कर सकते हो, अभी स्टॉक को बाय करने की आवश्यकता नहीं है। सीखो कि कैसे पेनी स्टॉक को सिलेक्ट किया गया था, क्यों किया गया था, ठीक है। अगर वो चीजें आप दूसरे स्टॉक्स में अप्लाई करोगे तो आप भी ऐसे पेनी स्टॉक ढूंढ सकते हो। अगर नहीं ढूंढ सकते तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अपडेट कराता रहता हूँ इससे अच्छे अच्छे स्टॉक्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस स्टॉक को आप चेज कर रहे हो, आपको स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को चेज नहीं करना है, वेट करना है राइट अपॉर्चुनिटी का। अब जैसे एक स्टॉक है मेट्रोपोलिस करके, ठीक है, तो वो स्टॉक आपको ट्विटर पेज के माध्यम से, इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से शेयर किया था। अरे मुझे कमेंट आता है कि सर इसको अभी बाय कर सकते हैं, आप मुझे बताओ, जो व्यक्ति स्टॉक को 2035 के प्राइस में बाय करके बैठा है, और अगर आप स्टॉक को अभी बाय करोगे 2238 पैसा बन सकता है, आधा 1%, क्या पता ना बने, लेकिन भाई यहाँ पर रिस्क ज्यादा है ना। जब सस्ता था तब आपको बताया जाता, तब आपको बाय करना चाहिए था। तो ये लोग यहाँ गलती क्या करते, स्टॉक को चेज करते, आपको चेज नहीं करना है। मैंने क्या बोला, मैंने पैटर्न स्टॉक को एक पैटर्न बताया था क्लास नंबर 46 में, जो प्राइवेट क्लास हर संडे होती है, उसमें एक पैटर्न बताया था कि स्टॉक मैंने सिलेक्ट क्यों किया है। जैसे आपको याद होगा VIP इंडस्ट्री शेयर, उसको भी मैंने उसी पैटर्न के माध्यम से सिलेक्ट किया था, और ये स्टॉक में भी हमें ऑलमोस्ट आई थिंक 20% का रिटर्न आया मात्र कुछ ही दिनों के अंदर, ठीक है। 644 के आसपास बाया था, और जो प्राइस सेट कर रहा है 744 रुपए ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो आप उन पैटर्न को फॉलो करो, उन पैटर्न को दूसरे स्टॉक्स में अप्लाई करो, ऐसी पेनी स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। जो चीजें बतलाता हूँ उनको दूसरे स्टॉक में अप्लाई किया करो, और आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हो स्टॉक, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो 2021 का वीडियो नवंबर महीने का, और मैंने साफ लिखा कि पेनी स्टॉक फॉर 2022, ठीक है, जो आप 2021 में बाय करके चल सकते थे। उसमें स्टॉक का भाई 10 रुपए ट्रेड कर रहा था, जीनस पेपर स्टॉक का नाम है, ठीक है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होता तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया था कि स्टॉक मैंने क्यों बाय किया था। अब अगर आप चैनल में नए हो तो अब सीख लो वो तरीका कि कैसे स्टॉक को सिलेक्ट किया जाता है। देखो मैं एक बात आपको बोल देना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट में जब कोई एक तेजी आती है, जैसे आज तेजी आई 2% की, तो
आपके जो पेनी स्टॉक होंगे क्या पता उनमें आपको 2 या 3% रिटर्न मिला होगा, लेकिन अगर आपने ये स्टॉक बाय किया होता तो आपको 20% रिटर्न मिलता। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन कि भाई हम तो फिर जब मार्केट में बुल रन आता तो हम कोई भी स्टॉक बाय कर लो, बात सही है, लेकिन ध्यान रखना अगर आपने जीनस पेपर बाय किया होता तो आपको 20% रिटर्न मिलता, अगर आपने कोई दूसरा पेन स्टॉक बाय किया तो आपको 2% रिटर्न मिलता, 2 या 3% का। तो फर्क है यहाँ पर, स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टॉक सिलेक्शन जिसको आता है वो डेफिनेटली ज्यादा रिटर्न कमाएगा एज कंपेरिजन दूसरे व्यक्ति के मुकाबले। तो आपको स्टॉक सिलेक्शन में महारत हासिल करनी है, उसका एक सिंपल तरीका है, आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को ऐड करना है, उसके बेसिस में आप अपना डिसीजन मेक करना है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये जो कंपनी है, थोड़ा आपको बता दूं पेपर से रिलेटेड इसका काम है मेनली, ठीक है, बाकी एनएससी पीएससी दोनों में काम करती है, 400 का मार्केट कैप है और आरओई स्टॉक का 2% था जो बहुत कम है। आई नो स्टॉक का बुक वैल्यू देखिए 15 रुपए के आसपास था, उस समय भी इतना ही था और आज स्टॉक का प्राइस इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। बाकी नीचे लेके चलता तो आपको देखने को मिलेगा कंपनी अच्छे नंबर दे सकती थी, और जैसा आपको पता है ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो तो उसका मतलब आपको समझा दूं, उसका मतलब ये है कि अगर कंपनी लगातार 10 सालों से प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, ठीक है, एटलीस्ट एक रेगुलर और एक सस्टेन इनकम आ रही है और आपको डिविडेंड नहीं दे रही है, इसका मतलब वो कंपनी लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रही है, और जो अच्छी बात है। तो मैं पर्सनली ऐसे स्टॉक को बाय करना पसंद करता हूँ। अगर आपने छोड़ो अभी उस बुक के बारे में बात नहीं करूंगा, किसी दिन बात करेंगे, अभी बात करते हैं इसके नंबर्स की। तो सेल देखो 111 करोड़ की है और यहाँ पर 70 लाख का प्रॉफिट है। बाकी ईयरली की बात करते देखो यहाँ पर आपको दिखेगा कंपनी लगातार आपको प्रॉफिट दे रही है, कुछ ना कुछ निकाल के नेट प्रॉफिट कंपनी का प्रॉफिट में आ रहा है। बाकी बैलेंस शीट आप देख सकते हो कंपनी के, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है शेयर कैपिटल लगातार ग्रो हो रही है, मतलब बढ़ाई जा रही है, ठीक है, और रिजर्व कंपनी के ग्रो हो रहे, साथ में डेट कंपनी ने अभी भी बढ़ाया है, जो काफी अच्छी बात है कि कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है इसलिए कंपनी डेट बढ़ाया होगा, और कैश फ्लो 40 करोड़ का है। बाकी यहाँ देखो शेड्यूल पैटर्न जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है किसी भी स्टॉक को सिलेक्शन में, देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% थी और यही भी एक रीजन बना था मेरा स्टॉक को आपके साथ शेयर करने का, और पब्लिक का यहाँ पर 49% के आसपास की हिस्सेदारी हमें देखने को मिल जाती है। तो पब्लिक के अंदर आप क्लिक करते हो तो आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ एक बड़े व्यक्ति का बहुत बड़ा होल्डिंग है, मतलब रिटेल का जो पैसा है यहाँ पर मात्र 25% के आसपास लगा हुआ है, तो ये भी एक रीजन था आपके साथ शेयर करने का, ठीक है। और स्टॉक के टारगेट कितने थे, जैसे मैंने आपको बोला था अपने फर्स्ट वीडियो में, अगर ये स्टॉक आपका अपना जो हाई तोड़ देता है तो स्टॉक आपको 40-50 रुपए के टारगेट पे दिखा सकता है। आप देखो वहां से डबल तो ऑलमोस्ट होने वाला है, अब वो टारगेट ही बहुत जल्द आपको दिखा देगा जितना आपको बताए गए थे। देखो यहाँ पर 18 लाख से इंटरडे में लोग घर लेके गए आज और 68% की डिलीवरी उठाई गई है स्टॉक में। तो दोस्तों आप देख सकते हो स्टॉक ने अपना जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है वो कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया है, और स्टॉक अगर दोबारा आपको 1650 के आसपास मिलता है, 1650 के आसपास मिलता है तो आप स्टॉक को नजरों में रख सकते हो, 1650 स्टॉक का एक मल्टी ईयर सपोर्ट बन सकता है, तो 1650 स्टॉक का एक सपोर्ट एरिया है, वहाँ स्टॉक को आप एक्युमुलेट कर सकते हो, अच्छा बाइंग रहेगा। बाकी जो हमारा स्टॉक पहले 10 रुपये और 8 रुपये का स्टॉप लॉस था, अब वो स्विच होके 1180 का रह जाएगा, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अपना स्टॉप लॉस आप आगे बढ़ाते चले जाओ क्योंकि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको स्टॉक को बाय करना 1650 से पहले बाय मत करना, 1650 स्टॉक आ सकता है, वहां पर टिप लेके स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तो 1650 स्टॉक का काफी अच्छा सपोर्ट एरिया, वहां स्टॉक को आप अपनी नजरों में रख सकते हो। तो इस वीडियो में समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ अगर आपके पास ये वीडियो स्टॉक है तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना और समझ आ गया हो कि स्टॉक मैंने सेलेक्ट क्यों किया था, ठीक है। उसके दो रीजन थे, एक तो इसका टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस जो अच्छी है, साथ में जो है टेक्निकल एनालिसिस, देखो स्टॉक लगातार एक हाई राइज का पैटर्न बना रहा है और एक अपर चैनल में ट्रेड कर रहा है, ये भी एक रीजन था स्टॉक का प्लस शेयर करने का, और लगातार देखो ये स्टॉक अभी अपर ट्रेंड में है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें प्रमोटर्स का काफी अच्छा पैसा लगा हुआ था और लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस भी थी कंपनी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है जिस वजह से स्टॉक मुझे अच्छा लगा था 2021 में, और 2022 का सबसे अच्छा पेनी स्टॉक ये बन सकता था, ये बात मैंने बोली थी और अभी भी बोलूंगा, 1650 आता तो आप स्टॉक को अपनी नजरों में रख सकते हैं। बाकी एक बार अपनी खुद की स्टडी कर लेना, तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में।